अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मैं अंडा शामी का जो है सालन बनाने लगी हूँ, तो आज इसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे चार शामी ली है, यहाँ प्याज दिया है मैंने चॉप किया हुआ बारीक कटा हुआ, हरी मिर्चें ली हैं चार से पाँच कटी हुई, तीन अंडे लिए हैं मैंने, धनिया लिया है थोड़ा सा, और इसके अंदर स्पाइसेस जाएंगे जो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप ऑयल ले लिया, अब इसके अंदर हम प्याज डाल के फ्राई कर लेंगे। प्याज यहाँ पे जो है वो अच्छी तरीके से सोते हो चुके हैं, तो इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे स्पाइसेस। उसके लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे लिया है नमक का, हाफ टी स्पून ही लिया है रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून इसके अंदर जाएगी अजवाइन, मतलब जो सारे मसाले हैं आप हाफ टी स्पून ले लें। यहाँ पे मैंने दाल मिर्च डाली है, धनिया पाउडर डाला है इसके अंदर, इसको अब अच्छे तरीके से हम भून लें। इसको अंडों के लिए डालनी क्योंकि शामी में ऑलरेडी सारे मसाले डले हुए हैं। यहाँ मसाले हमारे भुन चुके हैं, तो अब इसके अंदर हम अंडे ऐड कर देते हैं। अंडे हम पहले इसलिए डाल रहे हैं ताकि अच्छे तरीके से भुन जाएं और जो रेसिपी में इसका एक अच्छा सा टेस्ट आए, इसका जो कच्चापन है वो अच्छे तरीके से दूर हो जाए। घर में किसी को सालन पसंद नहीं आ रहा, शामी पड़ी हुई है, तो आप झटपट से ये बनाएं, 5 मिनट में ये बन के तैयार हो जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अब हम शामी ऐड कर देंगे और उसको अच्छे तरीके से जो है वो हम मिक्स कर लेंगे सारे मिक्सचर के साथ। तो मैंने पहले फ्राई किया हुआ था, अब यहाँ पे इसी पॉइंट के ऊपर जो है मैं इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसको अच्छे तरीके से मैं पका के, मतलब पकाना क्या है, हरा धनिया और हरी मिर्चों को है इसके साथ मसाले के साथ थोड़ा सा भून लेना हमने, और हमारी जो डिश है वो बनकर तैयार हो जाएगी। देख लें आप, ऑयल इसने छोड़ना शुरू कर दिया है, डिश बनकर तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसी बनी है। चार शामी से माशाल्लाह ये इतना सारा सालन बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पे हमारा सालन बनकर तैयार है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ये झटपट से बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।